नमस्कार, मैं हूँ सचिन चौरसिया और आप देख रहे हैं नोमैडिक सचिन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फतेहपुर जिला के बारे में। फतेहपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो कि पवित्र नदियाँ गंगा व यमुना के बीच में बसा हुआ है। फतेहपुर जिले में स्थित कई स्थानों का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है, जिनमें भिटौरा, असोथर, अश्वत्थामा की नगरी और असन के घाट प्रमुख हैं। भिटौरा भृग ऋषि की तपोस्थली के रूप में मानी जाती है। फतेहपुर जिला इलाहाबाद मंडल का एक हिस्सा है और इसका मुख्यालय फतेहपुर शहर है। इस शहर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के हिसाब से 26,32,733 है। लिंगानुपात 634 व साक्षरता दर 58.6% है। इस जिले की मुख्य भाषा हिंदी है। फतेहपुर जिले का पिन कोड 21-26-01 है। सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ियों की नंबर प्लेट पर अगर आपको UP 71 लिखा हुआ मिले तो समझ लीजिए कि वो गाड़ी फतेहपुर जिले की है। असोथर कस्बा जनपद फतेहपुर मुख्यालय से 30 किलोमीटर और नेशनल हाईवे थरियाओं से 12 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी के किनारे दक्षिणी सीमा पर स्थित है। इस कस्बे को 11वीं शताब्दी के मध्य राजा भगवंत राय खींची जी ने बसाया था। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र पाने के लिए यहीं आकर तपस्या की थी, तभी से इस बस्ती का नाम असफल हो गया, जो कालांतर में असोथर के नाम से जाना जाने लगा। खींची वंश के राजाओं में राजा भगवंत राय अश्वत्थामा का मंदिर बनवाया। ऐसा मानना है कि अश्वत्थामा आज भी अजर अमर हैं और तपोस्थली व मोटे महादेव मंदिर में आज भी पूजा अर्चना करने आते हैं। तभी तो समूचे क्षेत्र को अश्वत्थामा का मंदिर आशा और विश्वास में समेटे हुए है। कहते हैं कि महाभारत काल में पांडवों अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर टिके थे। जनपद फतेहपुर के मुख्य पर्यटक स्थलों के रूप में विख्यात पांडवकालीन प्राचीन मंदिर बाबा अश्वत्थामा धाम, सिद्ध पीठ मोटे महादेव मंदिर असोथर के दक्षिण में स्थित है। फतेहपुर का बावन इमली यह स्मारक स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों का प्रतीक है। 28 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश सेना द्वारा 52 स्वतंत्रता सेनानियों को एक इमली के पेड़ पर फांसी दी गई थी। ये इमली का पेड़ अभी भी मौजूद है। लोगों का विश्वास है कि उस पेड़ का विकास उस नरसंहार के बाद बंद हो गया। यह जगह बिंदकी उपखंड खजुहा कस्बे के निकट स्थित है। फतेहपुर का भिटौरा पवित्र नदी गंगा के किनारे पर स्थित है। माना जाता है कि यहाँ सुप्रसिद्ध संत महर्षि भृगु लंबे समय तक पूजा अर्चना करते थे। यहाँ पर गंगा नदी का प्रवाह उत्तर दिशा की ओर होता है। शहर मुख्यालय से उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर दूर उत्तर वाहिनी भागीरथी के भिटौरा तट पर महर्षि भृगु मुनि ने तपस्या की थी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भृगु मुनि की तपोस्थली में देवता भी परिक्रमा करने के लिए आए थे। पवित्र धाम गंगा महर्षि भृगु क्रोध में आकर एक बार भगवान विष्णु की छाती पर लात भी मार दी थी। यहाँ पर अन्य आधा दर्जन मंदिर बने हुए हैं। उत्तर वाहिनी गंगा पूरे भारत में मात्र 3 जगह आपको देखने को मिलेगी, जिसमें हरिद्वार, काशी व भृगु धाम भिटौरा है। फतेहपुर का हथगाम या महान स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी एवं उर्दू के शायर इकबाल वर्मा का जन्म स्थान है। इस स्थान पर राजा जयचंद की हथशाला थी, जिसे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की तपोस्थली होने का गौरव प्राप्त है। फतेहपुर का रेन या महाभारत कालीन गांव है और यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। 2 दशकों पहले एक बहुत पुरानी भगवान विष्णु की कीमती मिश्र धातु की मूर्ति को इस गांव में पाया गया था। अब ये मूर्ति कीर्ति खेड़ा गांव में एक मंदिर में स्थित है और ये गांव बिंदकी ललौली सड़क पर है। कहा जाता है कि यहाँ पर कृष्ण के बड़े भाई बलराम की ससुराल भी थी। फतेहपुर का शिवराजपुर यह गांव बिंदकी के निकट गंगा नदी के किनारे स्थित है। इस गांव में भगवान कृष्ण का एक बहुत पुराना मंदिर है, जो मीराबाई के मंदिर के रूप में जाना जाता है। फतेहपुर का तेंदुली यह गांव चौड़गरा बिंदकी सड़क पर है। ऐसा माना जाता है कि यहां सांप के शिकार कुत्ता काटे बीमारों का इलाज बाबा छामदास के मंदिर में होता है। फतेहपुर का बिंदकी यह बहुत पुराना शहर है, जो कि फतेहपुर मुख्यालय से लगभग 15 मील की दूरी पर है। बिंदकी का नाम यहाँ के राजा वेनुकी के नाम पर पड़ा था। यह बहुत ही धर्मनिरपेक्ष शहर है। यहाँ की भूमि गंगा और यमुना के बीच में होने के कारण बहुत ही उपजाऊ है। यह उत्तर प्रदेश के राज्य में एक सबसे पुराना तहसील है।
इस जिले का खजुहा, पुराने समय में खजुहा को खजुहागढ़ के नाम से जाना जाता था। इस स्थान का मुगल काल में बहुत ही महत्व है। औरंगजेब के समय में यह इलाहाबाद मंडल की मुख्य छावनी थी। खजुहा को भगवान शिव की नगरी के तौर पे भी जाना जाता है। गेटवे ऑफ अर्थ फतेहपुर जिले का एकमात्र सुंदर व सुप्रसिद्ध पार्क। इस पार्क में दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। इसकी सही लोकेशन आपको गूगल मैप पे प्राप्त हो जाएगी। यह जयराम नगर में स्थित है। फतेहपुर जिला भलीभांत सड़क रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। भारतीय रेलवे की हावड़ा अमृतसर मुख्य मार्ग पर फतेहपुर का पड़ाव स्थल है। यहाँ पर नई दिल्ली, जम्मू, हावड़ा, जोधपुर, फरुखाबाद, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी आदि के लिए मेल गाड़ियाँ मिलती हैं। फतेहपुर जिला भली प्रकार से सड़क मार्ग से अन्य शहरों से जुड़ा हुआ है। ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित फतेहपुर जिला लगभग सभी शहरों से सीधे संपर्क में है। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम का बस ठहराव स्थान भी यहां से नियमित तौर पर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, झांसी, बांदा, चित्रकूट तथा बरेली के लिए आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि आपको फतेहपुर जिला की ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।